दोस्तों, माँ को भगवान का दर्जा दिया गया है क्योंकि माँ अपने बच्चे को जन्म देने के लिए बड़ी मुश्किल और कठिनाइयों के साथ साथ दर्द के असीम सीमा से उन्हें गुजरना पड़ता है और सच में इस दर्द को कोई पुरुष महसूस नहीं कर सकता है। इंसान को जन्म देने की प्रक्रिया तो आपको पता ही होगा, लेकिन आज हम इंसानों से हटकर जानवरों को जन्म देने की प्रक्रिया पर बातें करने वाले हैं। यहाँ तक कि अपने बच्चे को जन्म देने के लिए जानवरों को भी ऐसे ही दर्द और पीड़ा से गुजरना पड़ता है। तो आज हम लोग जन्म देते हुए और उस वक्त दिखने वाले बच्चों का आकार देखने वाले हैं। मुझे यह वीडियो आप लोगों को दिखाने में काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, तो वीडियो के पूरे अंतिम तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में आप लोग कुछ अच्छा और कुछ नया सीखने वाले हैं। जिराफ के जन्म के समय नर जिराफ मादा जिराफ के करीब ही होता है। आप इस वीडियो में ऐसा भी देख सकते हैं जो कि सहायता के लिए इसके पास रहते हैं और यह नर जिराफ बच्चे को सूंघकर, उसको छूकर उसकी जांच कर लेता है कि यह स्वस्थ है या नहीं। जिराफ का गर्भाशय काल 410 दिन का होता है। जन्म के बाद यह जिराफ का बच्चा बार बार खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार यह गिरता है। वैज्ञानिक की थ्योरी भी आज तक यह पता नहीं लगा पाई कि एक नवजात बच्चा कैसे 3 मीटर से बार बार गिरने के बाद भी यह जिंदा रह सकता है। वैसे आप यह जान लीजिए कि यह एक कुदरत का करिश्मा है जो कि प्रत्येक जिराफ के जन्म के समय ऐसा होता है। जन्म के बाद मादा जिराफ अपने बच्चे को खड़े करने की कोशिश करती है। इनके पैर ज़्यादा लंबे होने के कारण कुछ दिनों तक अच्छे से खड़ा होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एलिफेंट हाथी एक ऐसा जानवर है जो अपना प्रजनन का समय में बदलाव कर सकती है। यह चाहे तो दिन में भी जन्म दे सकती है, लेकिन अधिकतर हाथी रात में बच्चे को जन्म देना पसंद करती है। हाथी का गर्भाशय काल 22 महीनों का होता है जो इंसान के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है। क्या आप जानते हैं कि जब हाथी अपने बच्चे को जन्म देती है उस वक्त वह बच्चा का वजन लगभग 112 किलोग्राम का होता है। यह हाथी जन्म के बाद अपने बच्चों की सुरक्षा लंबे समय तक करती है तथा शिकारी जानवर से इसे बचाती है। इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राइनोसेरस एक राइनो को अपने बच्चे को जन्म देना आम घटना नहीं होता है। राइनो को गर्भाशय काल का समय पूरे 18 महीनों का होता है और यह 2.5 साल के अंतराल पर ही दूसरे बच्चे को जन्म दे सकता है। जन्म के समय राइनो का बच्चा लगभग 45 किलोग्राम का होता है। यह इतना ज़्यादा कमजोर होता है कि यह खुद के पैर पर खड़ा भी नहीं हो पाता है। इसकी माँ राइनो अपने छोटे से क्यूट बेबी को खड़ा करने और उसकी सुरक्षा करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। यह 20 साल का साउथ अफ्रीकन राइनो है जो कि अपने तीसरे बच्चे को जन्म दे रही है। राइनोसेरस का जन्म देने की प्रक्रिया बहुत ही तेज होता है। यह हाथी के बच्चे की तरह ही शुरुआत में अवचेतन हालत में होता है। इसकी माता राइनो तब तक इसको अपने जीव से सहलाती रहती है जब तक यह पूरे ठीक ना हो जाए। हॉर्स घोड़े का जन्म देते देखना अधिकतर घुड़सवारों को ही नसीब होता है, जिसका जन्म देना बाकी जानवरों से थोड़ा हटकर और कमाल का होता है। घोड़े बहुत ताकतवर और लचीले जानवर होते हैं। ये अपने बच्चे को जन्म देने के लिए साफ और निजी जगह को ही चुनती है। घोड़े के बच्चे को जन्म देने में ज़्यादा समय नहीं लगता और आप देख सकते हैं कि जन्म के तुरंत बाद ही इसके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। यह अपने बच्चे को जन्म देने के बाद काफ़ी थक जाती है, इसलिए इसे आराम की काफ़ी ज़रूरत होती है। घोड़ा का गर्भाशय काल 6 महीने का होता है। सी लायन इस जीव का जन्म देने का समय बिल्कुल इंसानों के तरह ही लंबा होता है। इस सी लायन को अपने बच्चे को जन्म देने में 6 से 7 घंटा का समय लग जाता है जो कि दर्द और पीड़ा से भरा हुआ है। इस वक्त आप इस जीव को काफ़ी ज़्यादा चीखते चिल्लाते हुए देख सकते हैं।
कि यह जीव कितना ज्यादा लंबे समय तक दर्द को सहने के उपरांत यह अपने बच्चे को जन्म देती है, और जन्म देने के बाद अपने बच्चों को देखकर यह अपनी खुशी का अंदाजा या ठिकाना नहीं लगा पाती है। इसका गर्भाशय काल 17.5 महीना का होता है। डॉल्फिन, आपको तो पता ही होगा कि इस मछली को पानी में रहने के कारण इसको बच्चे को जन्म देते देखना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। फिर भी इस वीडियो में आप क्लियर देख सकते हैं कि डॉल्फिन कैसे अपने बच्चे को जन्म देती है। डॉल्फिन का गर्भाशय काल 10 महीनों का होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे अपने बच्चे को जन्म देने के लिए डॉल्फिन जोर लगा रही है। डॉल्फिन को पानी में रहने के कारण बच्चे को जन्म देना इसके लिए आसान हो जाता है। जन्म देते समय सबसे पहले पूंछ बाहर आती है, फिर बच्चा बाहर निकल जाता है और इसके साथ ही तैरने लगता है। आप देख सकते हैं कि इसका बच्चा इस तरह से तैर रहा है जैसे कि ये अपने माँ के गर्भ से ही सीख कर आया हो। जन्म के तुरंत बाद आप तैरते हुए इस डॉल्फिन को देख सकते हैं। टाइगर, आपको तो पता ही होगा कि टाइगर कितना ज्यादा खतरनाक जानवर होता है, लेकिन जब इसका गर्भाशय काल पूरा हो जाता है और यह अपने बच्चे को जन्म देने ही वाली होती है, तब यह किसी साफ जगह को ढूंढकर यह अपना मांद खुद तैयार करती है ताकि अपने बच्चे को सुरक्षा और आश्रय दे सके। एक मादा टाइगर को जन्म देते वक्त आप इसकी विनम्रता एवं भावुकता को देखकर खुद को भी भावुक होते देख सकते हैं। यह एक बार में 2 से 3 बच्चे को जन्म दे सकती है। इनके बच्चे देखने में बिल्ली के समान ही होते हैं और आकार में भी सेम। आपको हम यह बतला दे कि टाइगर का गर्भाशय काल 3.5 महीना यानी कि 105 दिन का होता है। चीता, दोस्तों यह कोई आम चीता नहीं है, इसका नाम मिलानी है। यह वर्जीनिया देश के मेट्रो रिक्रूटमेंट जू की है। यह चीता पहली बार गर्भ धारण किया था, और आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि यह चीता पहली बार में ही 5 बच्चे को जन्म दिया है। अपने बच्चों का जन्म देना किसी सजा से कम नहीं होता है। कई घंटा मशक्कत करने के बाद यह बच्चे को जन्म देती है। यह वीडियो क्लिप 19 सितंबर 2014 की है। यह क्लिप सच में कमाल की है। स्टिंगरे, क्या आपने स्टिंगरे को जन्म देते हुए देखे हैं? नहीं ना, अगर नहीं देखे हैं तो आप बस इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि किस तरह से यह अपने बच्चे को जन्म देती है। स्टिंगरे एक साथ 5 से 6 बच्चे को जन्म दे सकती है। इसका गर्भाशय काल 270 दिन का होता है, जिसको देखना बड़ा ही मनमोहक होता है। यह स्टिंगरे जब अपने बच्चे को जन्म दे रही थी, तब यह लड़का इसकी काफी मदद किया है, जो बड़ा ही साहस की बात है, क्योंकि स्टिंगरे के पूंछ में चाकू के समान धारदार जैसी चीज होती है, जिसमें जानलेवा जहर होता है। यह लड़का उसकी परवाह न करते हुए इसकी मदद की है, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इसे बहुत सराहा है। कंगारू, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कंगारू जब अपने बच्चे को जन्म देती है, तब यह बच्चा एक भ्रूण ही होता है। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि यह जन्म से पहले ही आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका जन्म ऐसे ही होता है। जब मादा कंगारू अपने बच्चे को जन्म देती है, तब उसे दर्द का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि उसे पता तक नहीं चल पाता है कि वह अपने बच्चे को जन्म दे भी चुकी है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसका गर्भाशय काल मात्र 33 दिन का होता है। इसके बच्चे बिल्कुल भी मैच्योर नहीं होते हैं, और इसका वजन की बातें करें तो यह लगभग 1 से 2 ग्राम का ही होता है। थैले से आने के बाद यह बच्चा रेंगते हुए मादा के किसी भी किट्स पर जाकर खुद को जोड़ लेता है, और ये वहीं रहकर हफ्ते बिताता है। इसके बाद ही पूरा बड़ा होकर यह पूरी दुनिया को देख पाता है। वीडियो के अंतिम तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। आप कमेंट सेक्शन में यह लिखकर बताएं कि कौन सा जानवर का वीडियो क्लिप आपको सबसे अच्छा लगा। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 भी लिखें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।